मैं मेहता डायमंड्स के विले पाले ब्रांच से आई हूँ। ये हार मुझे अंदर देना है, थोड़ा अर्जेंट है। बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकते। ये आप मेरा पास रख लीजिए। थैंक यू सो मच। नो मेंशन। डोंट मेंशन। सर, विले पाले ब्रांच से फोन है। एक लड़की कह रही है कि कोई 2.5 लाख का आपने नेकलेस मंगवाया था इवेंट के लिए। अब या तो नेकलेस जमा करो या उसके 2.5 लाख, नहीं तो यू आर फायर्ड। मुझे जॉब से निकाल दिया है और अब मुझ पे इल्जाम लगा दिए, कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए जमा करो। तुम साइन करोगे उस चालान पर? मैं बुला रहा हूँ उसे। हमारे होटल के सेलेब वॉल पर मेहता डायमंड के ओनर के साथ तस्वीर होगी तो हमारे लिए प्राइड की बात होगी। आप सचमुच में बहुत डिफरेंट है। मुझसे पहले मेरी ताई है, जब तक उनकी लाइफ और उनका घर सेट नहीं हो जाता मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। गौरव जी को अच्छा रिश्ता मिलेगा तब जाके अनिकेत मेरी श्रेया को हाँ कहेगा ना। मम्मी गौरव, हम शादी का रिश्ता लेकर आए। मैं गौरवी का हाथ अपने बेटे अनुज के लिए मांगती हूँ। अब फैसला तुम दोनों पर है। मैं ये शादी नहीं कर सकती, फैमिली इश्यूज, और फिर हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारी सोच, चॉइसेस, खाना पीना, थोड़ी लाना। पहले बहन चोरी करती है, फिर भाई पीठ पीछे बॉस की बहन को बटाता है, एंड फिर द होल फैमिली एक्ट्स लाइक दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और ऋषि तुम क्या कर रहे हो? ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? भाई यू इंसल्टिंग मी। गौरव जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हे कॉकरोच, जुड़ते दिल सुबह शाम है। यू मस्ट बी सो हैप्पी नो, कभी सपने में। आई एम लीविंग अनुज, मैं जा रही हूँ। जाना जरूरी है, कोई और तरीका नहीं है। अनुज, मैंने आपसे अलग होने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यू डोंट वांट मी इन योर लाइफ। आई नो यू वांट मी बैक, पर मैं आपके और आपके फैमिली के बीच में नहीं आना चाहती। कितना मोटा भाई, पुलिस आई है आपके लिए, अरेस्ट वारंट लाए हैं, चलिए हमारे साथ। लॉयर से भी बात हुई है, श्रिया एंड ऋषि उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर दी है, तेरे लिए कुछ नहीं रखा है और उनका कोई पता भी नहीं। आई डोंट नो वेदर यार, जो इंसान बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाता वो इतना बड़ा धोखा कभी दे ही नहीं सकता है। उस प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं मैंने, मैं 50% की ओनर हूँ, तो उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मैं लूंगी। तुमने खबर से ले मामलों के लोग गंभीर से, ये सीरियस मैटर आए और मैं तुम्हारा दोष देना आना है। तुम्हें दरबार में जिद लेने के मैं सोच रहा यार, कारण की नहीं जिद्दी आए। जिस जिद से ये आपके लिए जेल के अंदर रहना चाहती हैं और जिस प्यार से आप इन्हें जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके प्यार में इनकी जिद की जीत होती है या आपके प्यार की। ओवर टू यू।